तो क्लास, अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ों को सीख लिया है मायोसिस टू के बारे में। तब टाइम है आपकी नॉलेज को टेस्ट करने का। तो क्या आप रेडी हैं एक चैलेंज के लिए? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर मायोसिस टू? ऑप्शन वन, क्रोमोजोम्स आर अरेंज्ड ऑन इक्वेटोरियल प्लेट इन प्रोफेज टू। ऑप्शन टू, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर ड्यूरिंग टीलोफेज टू। ऑप्शन थ्री, इन एनाफेज टू द क्रोमेटिड्स विद देयर इंडिपेंडेंट सेंट्रोमेयर्स आर कॉल्ड क्रोमोजोम्स। ऑप्शन फोर, इन मेटाफेज टू सेंट्रोमेयर ऑफ ईच क्रोमोजोम बिकम्स अटैच्ड टू फिलामेंट ऑफ स्पिंडल। ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन बी, ओनली थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन सी, ओनली फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एंड ऑप्शन डी, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें आपको इन स्टेटमेंट्स में से ये पता लगाना है कि मायोसिस टू के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही दी गई है। और इसके लिए हम यहाँ पर वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करेंगे। तो क्लास, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी हम बात करें ओनली थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यानी जो एनाफेज टू है उसमें क्रोमेटिड्स जो है वो अपने इंडिपेंडेंट सेंट्रोमेयर्स के साथ क्रोमोसोम्स कहलाए जाते हैं। फिर जो मेटाफेज टू है उसमें जो सेंट्रोमियर है हर एक क्रोमोजोम का वो फिलामेंट ऑफ स्पिंडल से अटैच हो जाता है। तो अब हमें देखना है कि जो स्टेटमेंट वन और टू है वो गलत क्यों है। इसका रीज़न ये है कि जो क्रोमोजोम्स हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज होते हैं मेटाफेज टू में, ना कि प्रोफेज टू में। और जो स्टेटमेंट टू है वो इसलिए गलत है क्योंकि न्यूक्लियोलस डिसअपियर नहीं बल्कि रीअपियर होता है टीलोफेज टू में। तो इसलिए जो हमारी दो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो है ऑप्शन थ्री एंड फोर, यानी ऑप्शन बी।